ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन जिला परिषद में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष धर्मपाल चौहान ने की। इसमें जिला परिषद सदस्यों ने जहां एक और अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से अध्यक्ष को अवगत करवाया, वहीं विकासात्मक कार्य के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। सोलन जिला परिषद में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष धर्मपाल चौहान ने की। इसमें जिला परिषद सदस्यों ने जहां एक और अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से अध्यक्ष को अवगत करवाया, वहीं विकासात्मक कार्य के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। जिला परिषद सदस्य रामकृष्ण ने दांडला घाट में हो रहे प्रदूषण और उससे हो रही समस्याओं के बारे में अवगत करवाया और कहा कि अंबुजा सीमेंट कंपनी उनके क्षेत्र में मनमानी पर उतर आई है और संबंधित विभाग कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला रहे हैं। जिला परिषद सदस्य रामकृष्ण ने प्रदेश सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि दांडला घाट में खुले आम अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री प्रदूषण फैला रही है, किसी भी तरह से नियमों की पालना नहीं की जा रही है, एनजीटी के आदेशों की अवहेलना की जा रही है, जो प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए वहां आधुनिक यंत्र लगने चाहिए वे नहीं लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां क्षेत्र में फैल रही हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कत, टीबी और चरम रोग जैसे घातक बीमारियां हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर अंबुजा कंपनी मिली भगत से ये कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आसपास के गाँव में प्रदूषण मापने को जो यंत्र लगाए हुए थे उन्हें भी मिली भगत से हटा दिया गया है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इसकी तरफ ध्यान दें और उद्योग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। देखिए, मैंने अभी जिला परिषद की मीटिंग में कुछ ग्रामीणों ने जो सोशल मीडिया में पिक्चर शेयर की है, मैंने जिला परिषद की मीटिंग में वीडियो क्लिप सभी को दिखाई, जिससे कि अभी जो प्रदूषण विभाग के जो भी कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि वहां पे कोई पॉल्यूशन नहीं है, तो इससे साबित होता है कि पॉल्यूशन जो नियंत्रण विभाग है और अंबुजा का कितना नेक्सस है, उनकी मिली भक्त किस ढंग से लोगों को वहां बर्बाद कर रही है। ग्रामीण जो 26 और 30 मीटर के दायरे में वहां पे रहते हैं वो आज सांस की बीमारी, चर्म रोग और टीबी कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं, लेकिन सरकार और विभाग सोया हुआ है। मैंने आज मीटिंग में भी कहा कि जो एनजीटी का जब एनजीटी में हमारा एक वाद विवाद ग्रामीणों का और अंबुजा के खिलाफ चल रहा था, उसके खत्म होने के बाद अंबुजा कंपनी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उन तमाम जितने भी डिवाइसेज लगे थे उनको भी हटा दिया। आज ग्रामीण डस्ट में रहने को मजबूर है, डस्ट एमिशन इतना है कि इसके ऊपर कोई नियंत्रण किसी का है नहीं। हम चाहते हैं कि वहां पर गांव पे हर गांव में कंपनी की तरफ से और विभाग की तरफ से जो इसके जो डिवाइसेज लगे, ताकि हर हफ्ते लोगों को हर महीने उसकी रिपोर्ट मिले कि कितना जो एयर पोल्यूशन कितना है, एयर कंडीशन क्या है वहां की, और लोगों को ये जानने का पूरा अधिकार है और कंपनी के खिलाफ इमीडिएट एक्शन लेने की आवश्यकता है। आप वीडियो क्लिप से देखेंगे, मैं भी उसको बड़ी स्क्रीन पे भी चलाने की भी गुजारिश की चेयरमैन साहब से कि उसको बड़ी स्क्रीन पे चला के विभाग के और तमाम जितने अधिकारी आज की बैठक में मौजूद है सभी को उससे अवगत कराया जाए कि जो आज दाला घाट में प्रदूषण से जो लोगों की परेशानी बढ़ रही है।